यह कहानी भगवान शिव और पार्वती माता के विवाह की है। यह दिव्य प्रेम की कहानी है। देवी गौरी देवी का पार्वती के रूप में पुनर्जन्म और भगवान शिव से विवाह करने की उनकी प्रबल इच्छा शाश्वत प्रेम का एक उदाहरण है। हिमालय के शासक हिमावत और उनकी पत्नी मेनका भगवान शिव के प्रबल अनुयायी थे और एक ऐसी बेटी की कामना करते थे जो देवताओं से विवाह कर सके। इसके लिए मेनका भगवान शिव की पहली पत्नी गौरी देवी को प्रसन्न करने के लिए 3 दिवसीय लंबी तपस्या करती हैं। देवी ने मेनका को उनकी बेटी के रूप में जन्म लेने का वादा किया। वह पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए आग में कूद जाती हैं। इससे शिव का हृदय में कष्ट उत्पन्न होता है और वह अपनी पत्नी के खोने का शोक मनाने के लिए लंबी तपस्या में लीन हो जाते हैं। एक दिन ऋषि नारद बच्ची को देखने के लिए हिमावत के राज्य में जाते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि वह भगवान शिव से शादी करेगी। जैसे जैसे पार्वती बड़ी होती हैं, वह दिन रात शिव की प्रार्थना करती रहती हैं। पार्वती की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने खुद को एक ब्राह्मण के रूप में प्रच्छन्न करके उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। वह उससे कहते हैं कि वह ऐसे व्यक्ति से शादी ना करे जो गरीब और भौतिकवादी जीवन से रहित हो। हालांकि पार्वती दृढ़ता से कहती हैं, मैं शिव के अलावा किसी और से विवाह नहीं करूंगी। मन भावन उत्तर शिव को अपने मूल रूप में वापस आने और विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने पर मजबूर कर देता है। इस प्रकार उन्हें पार्वती के रूप में अपनी पत्नी वापस मिल जाती है। उनके विवाह की कहानी शिव की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है।